क्रिएटिविटी के डेफिनेशन के बारे में भले इस दुनिया में कितने भी विवाद हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आपका माइंड अगर क्रिएटिव है तो इस दुनिया को आप बिल्कुल अलग तरीके से, अलग नजरिए से देख लेते हो, और आपके आसपास जो कुछ अवेलेबल है उन्हीं चीजों से आप आविष्कार कर लेते हो कुछ भी, जैसे कि ये स्क्रैप। नमस्कार, मैं हूं गणेश गड़ा के क्रिएटिव डायरेक्टर, एंटरप्रेन्योर और क्रिएटिविटी का अभ्यासक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिएटिव लोग इस दुनिया को किस तरह से देख लेते हैं। आज मैं आया हूं अहमदनगर महाराष्ट्र में बालाजी वल्लाल नाम के एक आर्टिस्ट को मिलने के लिए। बालाजी वल्लाल एक ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट इस कॉन्सेप्ट को नए ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। दूसरी कक्षा के स्टूडेंट से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस के एम्प्लॉय तक बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट एक कॉन्सेप्ट हर कोई जानता है, लेकिन हमारा इमेजिनेशन कार्डबोर्ड, टीन के डब्बे, खाली बोतल, एम्प्टी बॉक्सेस, इसके परे जा नहीं पाती है, क्योंकि हम सोचते हैं बॉक्स में। बालाजी वल्लाल ने थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और इस तरह का आर्ट क्रिएट कर दिया है कि जिसको देख के आप हैरान रह जाएंगे। मेटल स्क्रैप को यूज करते हुए इन्होंने कुछ ऐसे आर्ट स्कल्चर बना दिए कि जिसके लिए उनको ढेरों अवार्ड ही नहीं मिले, बल्कि दुनिया भर के सैकड़ों लोगों के पास में आज इनका आर्ट कलेक्शन में है। बालाजी के क्रिएशन की ये खासियत है कि स्क्रैप के हर पुर्जे की आइडेंटिटी वो बरकरार रखते हैं और उसे इस तरह से जोड़ देते हैं कि सारे पुर्जे मिलकर टोटलिटी में एक अलग ही मीनिंग डिलीवर करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी कॉर्पोरेट में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन होता है। तो बालाजी, ये स्क्रैप आर्ट का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? जब मैं जीडी आर्ट का करने लगा था तो वहाँ असाइनमेंट थी कुछ तो अलग करने का 3D में, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ तो अलग करेंगे इसमें। तो मेरे सामने से साइकिल वाला जा रहा था, एक बंगार वाला जा रहा था, उसके उस गाड़ी के ऊपर साइकिल थी स्क्रैप की, तो मैंने खरीद लिया। उसके सब पुर्जे अलग किए और सब पुर्जे अलग करने के बाद मैंने एक जर्नी के थीम के ऊपर काम किया मैंने, कि पूरे पार्ट एक वेल्डिंग किया सब जोड़ के, और स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन को भेज दिया। वहाँ मेरे को उसको प्राइज़ भी मिल गया। मेरे को वो प्राइज़ मिलने के बाद मेरे को पता चला, मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि अरे मैं इस बंगार में से कुछ तो कर सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया, जो भी करूँगा तो इसमें ही करूँगा और इसमें मेरी लाइफ करूँगा मैं। बालाजी, जब आम आदमी इस स्क्रैप को देखता है तो उसको स्क्रैप ही दिखता है, बंगार ही दिखता है, लेकिन एक कलाकार के नज़र से आपको स्क्रैप किस तरह से दिखता है? हर स्क्रैप मटेरियल में कुछ तो आकार छुपा हुआ है, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा। तो आम आदमी वो स्क्रैप बोल के वो उसमें कुछ ढूंढता नहीं, मैं एक कलाकार की नज़र से उसमें कुछ ढूंढने का कोशिश करता हूँ। ऐसे ही मेरे पास जो मटेरियल है, अभी गाड़ी का हेडलाइट है, आपके लिए हेडलाइट है, आम आदमियों के लिए हेडलाइट है, लेकिन मेरे लिए हेडलाइट नहीं है। इसमें अगर मैं देखूँ उसमें अच्छा सा, तो मेरे को एक आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा है इसमें। तो एक सिंपल फॉर्म है, इसमें मैं क्रिएटिव नहीं कर रहा हूँ मेरा। ऐसे ही दूसरा एक पार्ट है, साइकिल का है, पार्ट है पैंडल का है, तो इसमें भी एक मेरे को हाथी का चेहरा नज़र आ रहा है पूरा। तो ये सूंड है हाथी की, ये पूरा बैकग्राउंड चेहरा है उसका, इसका दो कान लगा दूंगा ना तो मेरा हाथी का ये फॉर्म रेडी हो जाएगा इसका। इस तरह से मैं हर एक कला इसमें स्क्रैप मटेरियल में कुछ तो ढूंढने का कोशिश करता हूँ हर टाइम। तो बालाजी, ये क्रिएटिव थिंकिंग को आप कैसे अप्लाई कर लेते हो काम करते समय? तो ऐसे जब नेचर में है, सब एनिमल है, बर्ड्स है, तो कुछ अलग अलग फॉर्म है बहुत मेरे, हाँ सबके नज़र में आते हैं वो लोग, लेकिन उसमें क्या क्रिएटिव कर सकते हैं हमें। तो ये मटेरियल में, ये जो मैं बंगार का स्क्रैप का यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें से क्या वही मटेरियल, वही बर्ड है, बर्ड को कैसे मैं इस मटेरियल में तैयार कर सकता हूँ। तो ये मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है जब भी मैं, अभी तो ऐसा हो रहा है कि मेरे ख्वाब में भी ये बंगार ये सब आ रहा है। तो बालाजी, लोग जब सोते हैं तो उनके सपने में दीपिका आती है, कैटरीना कैफ आती है, आपके सपने में बंगार आता है? चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। जब कोई भी मैं आर्ट तैयार करता हूँ तो देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मैं खुश होता हूँ कोई भी स्क्रैप में जब आर्ट तैयार होता है, लेकिन जब एक करता हूँ ना तो उसके पीछे की जो जर्नी रहती है ना बहुत मुश्किल है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, वो मटेरियल ढूंढना पड़ता है, तब जैसे तब जाके मेरी ऐसी एक कलाकृति तैयार हो जाती है। जब भी मैं कोई आर्ट तैयार करता हूँ और लोगों को डिस्प्ले करता हूँ तो लोग पूछते हैं इसकी प्राइस क्या है। प्राइस बताने के बाद लोग बोलते हैं अरे क्या है ये, सस्ता चीज़ है, तो बंगार में से तुमने तो लाया है और इसको ज्वाइन किया है, सिर्फ वेल्डिंग किया है, इसमें क्या है, नया क्या किया तुमने, थोड़ी नया खरीद के लाया उसको पार्ट पुर्जे सब ज्वाइन किया है।
तो मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ, ये भंगार भी है लेकिन जो तैयार करने का जो थिंकिंग है, जो सोचना पड़ता है दिन रात जो सोचना पड़ता है, तो ये उसकी प्राइज है, मेरी थिंकिंग की प्राइज है ये। बालाजी, आज के यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? ये नए जनरेशन के लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो, छोटा या बड़ा नहीं हो, आपके पैशन के साथ करो, आपको यही काम आपके नई ऊंचाई तक पहुंचा देगा आपको। रिपोर्ट्स कहते हैं कि इंडिया में सिर्फ 30% मेटल स्क्रैप रिसाइकलिंग के लिए जाता है और बाकी का पड़ा रहता है यहाँ वहाँ सालों तक। अगर बालाजी वल्लाल जैसा दृष्टिकोण हम सभी में है तो ये वेस्ट तो यूटिलाइज होगा ही, लेकिन अपना कंट्री, अपना इंडिया बनेगा बेस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल क्रिएटिविटी बायोस्कोप बाय गणेश गड़ाक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बालाजी, ये बाटली का कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, मतलब ऐसा खंबा, क्वार्टर, अद्दा, मैं बहुत है मेरे दोस्तों के पास में, तो कर सकेंगे ना, अपन सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बाटली लेकर बैठना पड़ेगा उसके लिए।